हे वेलकम टू नवरात्रि कलर सीरीज डे टू। तो आज का कलर है व्हाइट। तो व्हाइट में मैंने बनाया पनीर टिक्का, जो कि पैन में बनेगा विदाउट स्क्यूबर्स। तो लाइए बनाते हैं इंस्टेंट पनीर टिक्का। इसके लिए मैंने दही उसमें डाला है, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर यानी काले मिर्च का पाउडर। साथ ही लिया है मैंने 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये जो मसाले आपको 1/4 टेबल स्पून ईच लेना है। अब नमक डाल के इसे सब मिक्स कर लीजिए। सॉल्ट ओवर नहीं डालिएगा, ऑलरेडी काफ़ी चटपटा बन चुका है। अब ऐड करना है हमें पनीर क्यूब्स। पनीर को मैंने बड़े स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब आराम से हल्के हाथ से आपको इसे कोट करना है। अब लेना है बटर लगभग 2 चम्मच के करीब। इसी में डालना है आपको चॉप्ड लहसुन। इसे ब्राउन मत कीजिए, तुरंत ही सॉटे कीजिए अनियन क्यूब्स के साथ। आप अनियन को 4 टुकड़ों में कट करके ऐसे इसके पतले पतले स्लाइस निकाल सकते हैं इसमें से। और इसे 1 मिनट के लिए सॉटे करना है, पकाना बिल्कुल नहीं है। साथ ही डाला है मैंने इसमें पनीर क्यूब्स, जो मैरिनेट हमने करके रखा था वही। अब इसमें दही है इसलिए पैन में पानी अब छूटेगा दही की वजह से। जब तक ये पानी सूख नहीं जाता आपको मीडियम फ्लेम पर इसे रखना है। अब 10 से 15 मिनट में ये आसानी से जो है इसका वाटर, जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से जो मसाला है इसे कवर कर लिया है अच्छे से। अब मैंने ऐड किया है लास्ट में चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है। और साथ ही लिया है 1/2 कप दूध। अगर आपके पास दूध की मलाई है तो भी चलेगी, बट मैंने दूध ऐड किया ताकि ये थोड़ा जूसी रहे। अब गैस आपको बंद कर लेना है और रेडी है इजी वे में पनीर टिक्का, जो काफ़ी कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। आई होप यू लाइक द रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नए नवरात्रि सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।